शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया तो अधिकतर छात्रों में उत्साह और नंबरों से संतुष्टि देखी गई, लेकिन कुछ छात्र अपने रिजल्ट को लेकर मायूस भी दिखे। लेकिन इन छात्रों के लिए भी CBSE ने बकायदा परीक्षाएं करवाने का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि पूरे उत्तराखंड में इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। देहरादून रीजन का रिजल्ट 99.23% रहा, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी बोर्ड एग्जाम नहीं कराए गए थे। CBSE ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के इंटरनल एग्जाम के अंकों के फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट घोषित किए। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड में CBSE ने 89,278 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। रिजल्ट आउट होने के बाद स्टूडेंट्स के चेहरों से संतुष्टि झलक रही थी और ज्यादातर स्टूडेंट्स रिजल्ट से पहले ही क्लास 11वीं में एडमिशन ले चुके थे, इसलिए स्कूल में ही स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखने की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं कुछ छात्रों की आपत्तियों को लेकर CBSE के डायरेक्टर ने कहा कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से खुश नहीं है तो उसके लिए एग्जाम कराए जाएंगे। CBSE ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि 10वीं और 12वीं के जो छात्र अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए फिजिकल तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी। यही नहीं, पूरक श्रेणी में रिजल्ट पाने वाले छात्रों के लिए भी परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट और पत्राचार स्टूडेंट्स के लिए भी परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द बताया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के नमूने भी CBSE की वेबसाइट पर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जल्द शुरू करवाया जाएगा।